हेलो, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक फ्रेंड्स। आप देख रहे हैं गोल्डन एयर एजुकेशन यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में बात करेंगे 18 मार्च से रिलेटेड जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर बनती हैं सारे इस वीडियो में कंप्लीट करेंगे, साथ ही काफ़ी सारे एक्स्ट्रा फैक्ट भी यहाँ पे डिस्कस करेंगे। तो पूरे लेसन को ध्यान से और लास्ट तक आप जरूर देखिएगा। इसकी PDF आप डाउनलोड कर सकते हैं नीचे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में से। तो देखिए, सबसे पहले हम बात करेंगे जो लास्ट वीडियो की क्विज थी आपके लिए। देखिए, क्वेश्चन था कि किस भारतीय क्रिकेटर को CK नायडू लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड 2019 दिया गया था। तो ये कल की क्विज थी और इसका सही आंसर था आपका K श्रीकांत, इसका राइट आंसर था। अब बात करते हैं देखिए आज की करंट अफेयर की। तो पहला क्वेश्चन देखिएगा, COVID-19 के कारण किसने जुलाई 2020 में मंगल ग्रह पर भेजे जाने वाले एक्सो मार्स मिशन को 2022 तक स्थगित करने की घोषणा कर दी है। तो सही आंसर हो जाएगा यहाँ पे यूरोपियन अंतरिक्ष एजेंसी। देखिए, जो ESA है इसने ये मिशन तैयार किया था, एक्सो मार्स मिशन, ये मंगल मिशन है इसका। और इसको अभी जो नेक्स्ट मंथ जो है स्पेस में भेजे जाने का प्लान था, लेकिन इसको अब कैंसिल कर दिया गया है। और यहाँ पे अगर मैं बात करता हूँ देखिए इसके बारे में और थोड़ा सा विस्तार में, तो इसका मुख्य कारण जो है वो क्या था, जो यहाँ पे जो कोरोना वायरस है, ठीक है, कोविड, उसके संक्रमण महामारी की वजह से जो है इसको स्थगित कर दिया है इस मिशन को, ठीक है। ये देखिए, आप अपना जो भारत का जो मंगल मिशन था चंद्रयान 2, सेम उसी के तरीके का एक मिशन है। और इसके अंदर भी एक रोवर को जो है वहाँ पे भेजा जा रहा है, जिसका नाम क्या है, रोसलिंड फ्रैंकलिन। देखिए, भारतीय जो मिशन था मंगल मिशन, उसके रोवर का नाम क्या था, प्रज्ञान था, ठीक है। और इसके रोवर के मिशन का नाम, जो मिशन है इसके रोवर का नाम क्या है, रोसलिंड फ्रैंकलिन। ये रोवर क्या करेगा, मंगल ग्रह की सतह पर 2 मीटर तक की गहराई पर जो है खुदाई करेगा और उसके नमूने प्राप्त करके ज़मीन पर भेजेगा। तो इस तरीके से सेम वही मिशन है जो भारत का चंद्रयान था उस तरीके से, ठीक है। तो अब ये 2022 में छोड़ा जाएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट यहाँ पे देख लीजिएगा अपना। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने किस पूर्व चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि CJI का नाम राज्यसभा के लिए मनोनीत किया है। तो यहाँ आंसर आपका हो जाएगा रंजन गोगोई का। पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का नाम यहाँ पर इसके लिए मनोनीत किया गया। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, यहाँ पे जो पूर्व CJI रंजन गोगोई, ये राज्यसभा के लिए जो है मनोनीत किया गया है। और यहाँ देखिए एक चीज़ आपने अच्छे से पढ़ी होगी, जो राष्ट्रपति है जो क्या करते हैं, जो राज्यसभा के लिए कुल 12 सीटें जो है ये मनोनीत करते हैं। कुल 12 सदस्य इनकी तरफ से मनोनीत किए जाते हैं जो अलग अलग कैटेगरी से होते हैं। और इस बार एक सदस्य उसमें यहाँ पर इनका नाम शामिल है, पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई का। तो ये काफ़ी यहाँ पे देखिए इस बार जो है अलग हुआ है। और यहाँ पे जो है रंजन गोगोई की बात करते हैं, तो 17 नवंबर 2019 को ये चीफ जस्टिस से रिटायर्ड हुए थे इस पद से, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं अपना। और देखिए, ये जो राष्ट्रपति ये जो डिसीजन लेता है, ये सदस्यों की जो नियुक्ति करता है, इनको पावर मिली हुई है जो अनुच्छेद 80 है उसके तहत ये शक्तियाँ दी गई है, उसी की शक्तियों का उपयोग करके ये जो है यहाँ पे 12 सदस्यों की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, कोरोना वायरस के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने कौन सा टोल फ्री नंबर जारी किया है। ये यहाँ पे हो जाएगा आपका, जो टोल फ्री नंबर है वो है 1075, ये इसका टोल फ्री नंबर है, ठीक है, 1075। नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा, किस राज्य में खिलाड़ियों के कल्याण के लिए चीफ मिनिस्टर अखनाबास साना रोई सिंह गीत तेंगबांग, जिसको शॉर्ट में क्या नाम दिया गया है, CMAST इसको नाम दिया गया है, ये स्कीम की घोषणा की गई है, इसको शुरू किया गया है। तो देखिए, यहाँ जो सही आंसर हो जाएगा आपका वो हो जाएगा मणिपुर, ठीक है। देखिए थोड़ा सा विस्तार से जानेंगे यहाँ पर। सबसे पहले तो देखिए, दो योजनाएं शुरू की गई एक साथ, जिसमें पहली योजना है CMAST किसके लिए है, स्पोर्ट पर्सन के लिए है, किसके लिए, खिलाड़ियों के लिए। इसका कुल बजट जो है 736 लाख है। और अगर यहाँ पे बात करते हैं तो इसके तहत क्या होगा कि जो खिलाड़ी जो ओलंपिक के अंदर गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल और यहाँ पे इसके पार्टिसिपेंट होते हैं, उनके लिए जो है ये योजना मुख्य रूप से शुरू की गई है, जिसमें इनको क्रमशः 1 करोड़ 75 लाख, 50 लाख और 10 लाख की जो है इनाम राशि दी जाएगी इनको, ठीक है। ये यहाँ पर इस योजना का मेन मकसद है।
और अगर बात करते हैं इसके अलावा 250 लगभग लोकल जो है स्टेट के लोग उन खिलाड़ी उनको भी 2 लाख पर एनम जो है ये यहाँ पे राशि दी जाएगी। ये तो यहाँ पे देखिए जो CMAST योजना है इसकी बात कर ली हमने, किसने CMAST एक इसके लिए खिलाड़ियों के लिए स्पोर्ट पर्सन के लिए। दूसरी जो योजना है यहाँ पे देखिए जिसका नाम है किस राज्य ने कलाकारों के कल्याण के लिए चीफ मिनिस्टर आर्टिस्ट सिंह गी तेंगबांग योजना शुरू की है। दूसरी योजना जो शुरू की है ये भी इसी ने की है, किसने मणिपुर ने, और इसका नाम है CMAT। पहली योजना का नाम था CMAST और दूसरी योजना है CMAT। तो इन दोनों को हाल ही में जो है शुरू किया गया है। पहली ये जो है ये स्पोर्ट पर्सन के लिए है और दूसरी है कलाकारों के लिए। देखिए ये इसका योजना का जो बजट है 570 लाख है और इसका मुख्य उद्देश्य क्या है, लगभग 4,000 जो कलाकार हैं उनको हर साल जो है ये मतलब कि राशि उपलब्ध कराना और उसके अंदर जो है 1,000 और कलाकारों को जो है इसके अंदर इंक्लूड करना। ये एक पेंशन तरीके की योजना है, ठीक है। तो इस तरीके से ये दोनों योजनाएं इसके द्वारा शुरू की गई है। यहाँ पे मणिपुर की थोड़ा बात करें तो देखिए कैपिटल मणिपुर की इम्फाल है, गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला, ठीक है। और ये कुछ नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज है ये भी आप ध्यान रख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें थी मणिपुर के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पे, ए शरत कमल ने किस प्रतिस्पर्धा का ओमान ओपन 2020 का खिताब जीत लिया है। सही आंसर होगा यहाँ पे देखिए ये है टेबल टेनिस। टेबल टेनिस की जो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा थी ओमान ओपन की वो हाल ही में यहाँ पर इन्होंने जीती है। इनका नाम क्या है, इनका नाम है ए शरत कमल, ये भारतीय हैं। और देखिए काफ़ी यहाँ पे ये जो है अच्छी चीज़ है क्योंकि 37 वर्षीय कमल ने जो है ये 10 साल बाद अपना पहला टूर टाइटल जीता है, ठीक है। ये आप ध्यान रखिएगा, इनका पूरा नाम है अंचिता शरत कमल, ठीक है। और इन्होंने फाइनल में जो मार्कोस है इनको हरा कर ये खिताब जीता था। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप 2020 का महिला एकल किसने जीता है। देखिए इसका जो महिला एकल का खिताब है वो ताई जूइंग ने जीता है, ऑल इंग्लैंड बैडमिंटन चैंपियनशिप का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन है अपना, नेपाल में नए स्कूलों के निर्माण के लिए भारत ने एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं जिसकी समझौता राशि क्या है। तो इसकी जो टोटल समझौता राशि है वो कितनी है, 107.01 मिलियन नेपाली रुपए का ये समझौता हुआ है भारत और इसके बीच में, नेपाल के बीच में। इसमें इसके तहत क्या करेगा, भारत जो है नेपाल के अंदर जो मतलब कि नए स्कूलों का निर्माण करेगा और इसी के लिए ये टोटल 107.01 मिलियन का ऋण जो है भारत इसको नेपाल को उपलब्ध करवाएगा, ठीक है। नेपाल के बारे में बात की है तो देखिए कैपिटल इसकी काठमांडू है, करेंसी इसकी नेपाली रुपीज है और प्राइम मिनिस्टर इसके केपी शर्मा ओली है, ठीक है। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन है अपना, कोरोना वायरस के खतरे के कारण चैत्र यात्रा उत्सव को रद्द कर दिया गया है, यह किस राज्य में मनाया जाता है। तो देखिए चैत्र यात्रा उत्सव जो है हर साल की बात थी, इस बार भी मनाया जाने वाला था उड़ीसा के अंदर लेकिन इस बार इसको कैंसिल कर दिया गया है कोरोना वायरस की वजह से। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा इसके बारे में और जान लेते हैं। देखिए ये जो मनाया जाता है ये मनाया जाता है हिंदू कैलेंडर के अनुसार चैत्र महीने के प्रत्येक मंगलवार को उड़ीसा का जो तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर है यहीं पर इसका आयोजन किया जाता है। कहाँ पर, तारा तारिणी पहाड़ी मंदिर उड़ीसा के, ठीक है ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट यहाँ पे और देखिए जो जो ये तारिणी पहाड़ी मंदिर है ये ऋषिकुल्या नदी के किनारे स्थित है, ठीक है ऋषिकुल्या नदी। नेक्स्ट यहाँ पे देखिए क्वेश्चन, थोड़ा सा उड़ीसा की बात की है तो कैपिटल उड़ीसा की जान लीजिएगा आप, भुवनेश्वर है, लार्जेस्ट सिटी भुवनेश्वर है उड़ीसा की। जिलों की संख्या यहाँ पे 30 हैं और गवर्नर मैंने यहाँ पे शायद आपको बताया गणेशी लाल है, CM यहाँ पे नवीन पटनायक है। और यहाँ अगर लोकसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 21 है और राज्यसभा सीटों की संख्या की बात करें तो 20 है, सॉरी 10 है, ठीक है। अभी रिसेंटली CHSL में उत्तर प्रदेश की लोकसभा सीटों की संख्या पूछी गई थी जो मैं आपको डेली बताता हूँ, ठीक है 80 है। तो इस तरीके से ये ध्यान रखिएगा ये पूछा जाता है। उसके बाद में एरिया के हिसाब से इसका 8वां स्थान है, जनसंख्या के हिसाब से 11वां स्थान है और घनत्व इसका क्या है,
पर किलोमीटर स्क्वायर व्यक्ति जो है इसका घनत्व है, ठीक है, डेंसिटी, तो ये आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद में नेक्स्ट देखिए, हाल ही में वैश्विक अर्थव्यवस्था पर COVID-19 के प्रभाव पर एक रिपोर्ट जारी की गई है। इस रिपोर्ट के अनुसार भारत प्रभावित अर्थव्यवस्थाओं में कौन से स्थान पर है। देखिए रिपोर्ट क्या है, सिंपल से ये है कि रिपोर्ट ऐसी तरीके की है कि जो COVID-19 जो है, ठीक है, कोरोना वायरस, इससे प्रभावित होने वाली अर्थव्यवस्थाओं की रिपोर्ट थी कि कौन से देश की अर्थव्यवस्था कितनी ज़्यादा प्रभावित हुई है। तो इस सूची के अंदर भारत 10वें स्थान पर है, ठीक है, यानी कि सबसे ज़्यादा प्रभावित होने वाले देशों की अर्थव्यवस्था की सूची में भारत जो है 10वें स्थान पर है, ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए आज की क्विज देख लीजिएगा। आज का क्विज है आपके लिए कि निम्न में से किस अभिनेत्री को बीते दिनों पद्म श्री पुरस्कार, यहाँ पे पद्म है, ठीक है, पद्म श्री इस तरीके से मेंशन होता है, तो इसके लिए चुना गया था, ये आपको बताना है। देखिए जो भी सही आंसर है आपका इसका नीचे आपको कमेंट बॉक्स में लिखना है। तो ये थी आज की करंट अफेयर, उम्मीद है वीडियो पसंद आई है, तो लाइक से जरूर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।